दुनिया भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है। ये सिर्फ लोगों के बीच बातचीत का जरिया नहीं है बल्कि कई ऑफिशियल कामों के लिए भी एक अच्छा माध्यम बन चुका है। हालांकि मेटा के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप पिछले कुछ दिनों से खबरों में बना हुआ है और इसे लेकर खबर है कि वो भारत छोड़कर जा सकते हैं। इसके पीछे की वजह एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्राइवेसी फीचर है जो कि भारत सरकार के 2021 सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के खिलाफ है। व्हाट्सएप के अनुसार अगर एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर को हटाने के लिए भारत का दबाव होगा तो व्हाट्सएप भारत को अलविदा कह देगा। आईटी नियम 2021 के नियम 4.2 के तहत भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच जंग चल रही है। इस नियम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जानकारी देनी होगी कि सबसे पहले किसने और कहां से मैसेज भेजा है। मेटा ने भारत के आईटी नियम 2021 को चुनौती दी। इसे लेकर व्हाट्सएप ने कोर्ट में कहा था कि वो वायरल खबरों को लेकर पहले ही एक्शन ले चुका है। हालांकि यूजर्स को राइट टू प्राइवेसी है और कंपनी अपने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को नहीं हटा सकती। व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा है और अगर भारत में व्हाट्सएप हटता है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम भी यहां से जा सकते हैं। भारत में व्हाट्सएप एक जरूरी प्लेटफॉर्म बन चुका है। आंकड़े के अनुसार दुनिया भर में 2.78 बिलियन यूजर्स के बीच इस प्लेटफॉर्म का यूज होता है। इस आंकड़े में सबसे ज्यादा भारतीय यूजर्स शामिल है। मेटा के लिए भारत सबसे जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि 535.8 मिलियन भारतीय यूजर्स हैं। फरवरी 2009 में व्हाट्सएप की शुरुआत की थी। इसके बाद शुरुआती वर्जन में क्रैश की समस्या होने लगी जिसके बाद अगस्त 2009 में व्हाट्सएप 2.0 को आईफोन ने रिलीज किया और ये 2.5 लाख लोगों द्वारा डाउनलोड किया गया जिसके बाद इसे 2010 में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी पेश किया गया। इसके बाद से ही लोगों के बीच व्हाट्सएप पसंद किया जाता है। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच की जंग के कारण इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी असर पड़ेगा और क्या ये भी व्हाट्सएप के साथ भारत को छोड़कर जा सकती हैं।